हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का रिटेल स्मार्ट इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में, जो कि HDFC की एक सब्सिडियरी कंपनी है और इसमें आज काफ़ी तेजी बनते हुए दिख रही है। ये काफ़ी दिनों बाद इतनी तेजी दिखा रहा है, इसमें तकरीबन 5.5% की तेजी बनते हुए देखी गई है और ये अभी 2508 रुपये पर क्लोजिंग दिया है। आज इस पूरे वीडियो में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि HDFC AMC किस प्रकार का स्टॉक है और इसके फंडामेंटल्स कैसे हैं, इसमें बड़े निवेशकों का शेयर होल्डिंग पैटर्न किस प्रकार का देखने को मिल रहा है, इसके एनुअल रिजल्ट कैसे आए हैं, इनके जो क्वार्टरली रिजल्ट आए थे Q2 के वो कैसे देखने को मिले थे, और फाइनली हम लोग इस वीडियो के लास्ट में इसके टेक्निकल चार्ट को एनालाइज करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में HDFC AMC के शेयर भाव किस प्रकार से परिवर्तित हो सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं चाहूँगा, आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो आप मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें। मैं आपके लिए लगातार अच्छी फंडामेंटल वाली कंपनियों के बारे में वीडियो बना करके अपलोड कर रहा हूँ और लगातार आपको अच्छे शेयर के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, HDFC AMC के फाइनेंशियल ओवरव्यू को चेक करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि HDFC AMC के जो मार्केट कैप है तकरीबन 53,416 करोड़ देखने को मिल रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 46.8% देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी बेहतरीन है, और रिटर्न ऑन इक्विटी 35.6% देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की बात करें तो ये 187 टाइम्स देखने को मिल रहा है, काफ़ी अच्छा है ये भी। डेट इक्विटी 0, बहुत ही अच्छा है। प्रमोटर होल्डिंग ऑलमोस्ट 74%, जो कि काफ़ी अच्छा है। इसके 52 वीक हाई 3,844 रुपये, 52 वीक लो तकरीबन 2,000 रुपये, और वर्तमान भाव 2509 रुपये पर ये ट्रेड कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों कि HDFC AMC अपने 52 वीक लो के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, जबकि इसके फंडामेंटल्स जो हैं काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने ये पाया कि HDFC AMC के जो फाइनेंशियल पैरामीटर हैं वो काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। अब चलिए दोस्तों, इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी चेक कर लेते हैं कि इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न किस प्रकार के देखने को मिल रहे हैं। स्क्रीन पर हम लोग HDFC के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख रहे हैं और यहाँ पर साफ साफ देखने को मिल रहा है कि HDFC AMC में प्रमोटर्स की होल्डिंग 73.9% ऑलमोस्ट 74% देखने को मिल रही है, और FI इस स्टॉक में लगातार अपना स्टैक बढ़ाते हुए देखे गए हैं, और अभी वापस इन्होंने जो सितंबर क्वार्टर में अपना स्टैक घटा करके 8.8% कर लिया है, जो कि जून क्वार्टर में 10.7% देखने को मिल रहा था। और अगर DIs की बात करें तो DIs भी स्टॉक में अपना निवेश बढ़ाते हुए देखे गए हैं, और इन्होंने भी अपना सितंबर क्वार्टर में स्टैक इसमें कुछ कम किया है। तो अब हम लोग यहाँ इनके DIs और FIs की कुल होल्डिंग अगर हम लोग मिला करके देखें दोस्तों, तो ये तकरीबन 10% देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग ये पा रहे हैं कि जून क्वार्टर के रेस्पेक्ट में सितंबर क्वार्टर में FIs और DIs दोनों ने इसमें प्रॉफिट बुकिंग की है, लेकिन फिर भी इनके जो कंबाइंड होल्डिंग है वो तकरीबन 10% के आसपास देखने को मिल रही है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं दोस्तों कि जो बड़े निवेशक हैं अभी इसमें बुलिश नहीं है, ये न्यूट्रल हैं, क्या है कि इन्होंने हल्का सा इसमें प्रॉफिट बुक किया है, लेकिन इन्होंने पूरी तरह से अपने निवेश इससे निकाला नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि बड़े निवेशक इस स्टॉक में न्यूट्रल हैं, लेकिन फिर भी ये 10% इसमें हिस्सेदारी रखते हैं। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग कोई कंक्लूजन नहीं निकाल पा रहे हैं।
अब हम लोग इसके जो एनुअल रिजल्ट आए हैं उसको चेक करते हैं, और इनके क्वार्टरली रिजल्ट कैस किस प्रकार के देखने को मिले हैं उसको चेक कर लेते हैं। उस हिसाब से हम लोग खुद अपने स्तर पर रिटेल स्मार्ट इन्वेस्टर अपनी राय बनाएंगे कि इस स्टॉक में हम लोगों को क्या करना चाहिए, और जिस प्रकार की तेजी बनते दिख रही है एचडीएफसी एएमसी में, क्या वो आगे जारी रह सकती है, या ये शेयर यहाँ से नीचे लुढ़क करके वापस नीचे के स्तरों पर ट्रेड करता हुआ पाया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसके जो एनुअल रिजल्ट हैं उसको हम लोग चेक कर लेते हैं। स्क्रीन पर हम लोग एचडीएफसी एएमसी के एनुअल रिजल्ट को देख रहे हैं। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि FY16 में 1490 करोड़ का ये सेल्स रिपोर्ट की थी, जो कि हर साल बढ़ता हुआ देखा जा रहा है, और FY20 में ये बढ़ करके 2124 करोड़ देखने को मिल रहा है। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों कि इनके जो साल दर साल इनके जो सेल्स हैं उसमें काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अगर सेम पीरियड में इसके नेट प्रॉफिट का मिलान करें तो FY16 में 478 करोड़ का नेट प्रॉफिट करती थी, जो कि हर साल ये बढ़ता हुआ देखा गया, और FY20 में ये 1262 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट की है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं दोस्तों कि समय के साथ इनके नेट प्रॉफिट में भी तकरीबन 2 गुना से ज़्यादा का जंप देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों यहाँ से अगर हम लोग इसके इंटरेस्ट बर्डन को देखें तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इनका इंटरेस्ट बर्डन जो है ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये कंपनी फंडामेंटल रूप से काफ़ी अच्छी है। इसके एनुअल रिजल्ट जो हैं काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। अब चलिए दोस्तों, इसके क्वार्टरली रिजल्ट को भी मिला लेते हैं कि वो कैसे देखने को मिल रहे हैं। तो क्वार्टरली बेसिस पर अगर दोस्तों हम लोग इनके रिजल्ट का मिलान करें तो सितंबर क्वार्टर में 456 करोड़ का सेल्स रिपोर्ट की थी, जिसमें से कि इन्होंने 338 करोड़ का मुनाफा दिखाया था, जो कि लास्ट ईयर सितंबर क्वार्टर में इनके सेल्स 498 करोड़ देखने को मिले थे, जबकि मुनाफा 368 करोड़ देखने को मिला था। तो हम लोग ईयर ऑन ईयर इनके जो नेट सेल्स हैं उसमें डिग्रोथ देख रहे हैं, लेकिन ईयर ऑन ईयर इनके नेट प्रॉफिट जो हैं यहाँ पर भी डिग्रोथ देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों अगर इनके क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट को मिलाएं तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जून क्वार्टर में ये 411 करोड़ का सेल्स रिपोर्ट की थी, जो कि सितंबर क्वार्टर में ये बढ़ता हुआ दिख रहा है, यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों इनके सेम पीरियड में नेट प्रॉफिट का भी मिलान करें तो जून क्वार्टर में ये 302 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट की थी, जो कि सितंबर क्वार्टर में 338 करोड़ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इनके जो नेट प्रॉफिट हैं उसमें हम लोग ग्रोथ देख रहे हैं। तब अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयरली बेसिस पर इनके जो रिजल्ट हैं वो थोड़ा इसमें मंदी की ओर संकेत कर रहे हैं, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इनके सेल्स में ग्रोथ देखने को मिल रहा है और नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो हम लोग ये कह सकते हैं दोस्तों कि जो एचडीएफसी एएमसी के जो एनुअल रिजल्ट रहे हैं वो काफ़ी शानदार देखने को मिले हैं। इनके क्वार्टरली ग्रोथ में हल्का सा डिग्रोथ देखने को मिला है, लेकिन कोरोना काल में सारे फाइनेंशियल सेक्टर में हम लोग डाउन ट्रेंड देखे थे, इसलिए इनके बिजनेस में भी डाउन ट्रेंड देखने को मिला था। अब काफ़ी दिनों बाद इसमें तेजी बनते हुए दिख रही है, तो हम लोग इसके टेक्निकल चार्ट को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इसके टेक्निकल चार्ट से इनके जो प्राइस ट्रेंड रहेंगे आने वाले दिनों में वो कैसे रह सकते हैं, उसका हम लोग अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों स्क्रीन पर हम लोग एचडीएफसी एएमसी के टेक्निकल चार्ट को देख रहे हैं। हमने यहाँ पर 3 इंडिकेटर लगा के रखे हैं, 50 डेज एमा, 100 डेज एमा, 200 डेज एमा, और ये जो स्टॉक है एचडीएफसी एएमसी इन तीनों इंडिकेटर से ऊपर जाकर के ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इसमें इतनी तेजी काफी दिनों बाद देखने को मिल रही है। अगर इनके आरएसआई इंडिकेटर को देखें तो ये भी 72 के लेवल पर जा चुका है। तो हम लोग टेक्निकली ये कह सकते हैं कि ये स्टॉक जो है यहाँ से ब्रेकआउट देता हुआ दिख रहा है, और अगर हम लोग इसके टेक्निकल चार्ट को गौर से देखें तो हम लोगों को इमीडिएट जो रेसिस्टेंस देखने को मिलेगा वो तकरीबन 2777 रुपये पर देखने को मिलेगा, और जो नेक्स्ट रेसिस्टेंस है
ये जो ग्रीन लाइन वाली लाइन है, ये नेक्स्ट इनका रेसिस्टेंस है, वो तकरीबन 3273 रुपये पर देखने को मिलेगा। अब जिस प्रकार से इसमें जो तेजी बन रही है, तो हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि अब यहाँ से ये अच्छी तरह से ब्रेकआउट दे पाने में इस बार ये स्टॉक सक्षम रहेगा, और ये जल्द ही 2780 के लेवल के आसपास जाता हुआ हम लोग इस स्टॉक को देख पाएंगे। इसके टेक्निकल चार्ट यही सजेस्ट कर रहे हैं। अब चलिए दोस्तों, हम लोगों को इंतजार रहेगा कि कब ये स्टॉक 2780 के लेवल को ये टच करेगा और इन स्तरों से भी ये ऊपर जाता हुआ दिखेगा, ऐसा हम लोग इसके जो रिजल्ट आए हैं एनुअल उसके आधार पर कह सकते हैं। अब चूंकि कोरोना का इम्पैक्ट धीरे धीरे कम होता दिख रहा है और मार्केट काफ़ी बुलिश फेज में जा चुका है, और जिस प्रकार से एएमसी बिजनेसेस इम्पैक्ट हुए थे कोरोना के चलते, उसमें काफ़ी डिग्रोथ देखने को मिला था, अब वापस जो है निवेशक शेयर मार्केट में आएंगे, जिसकी वजह से एएमसी के जो रिजल्ट आएंगे वो काफ़ी अच्छे देखने को मिल सकते हैं Q3 और Q4 में। तो हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में HDFC AMC में हम लोग काफ़ी तेजी बनता हुआ देख पाएंगे। इस संबंध में दोस्तों हमने एक वीडियो भी हाल में ही अपलोड किया था, जिसके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले हैं, आप उस वीडियो को भी जा करके देख सकते हैं। उस वीडियो में भी हम लोगों ने चर्चा किया था कि जो HDFC AMC है, इसमें जो साइडवेज मूवमेंट देखने को मिल रहा है, ये काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी दे रहा है लंबे समय के लिए इस स्टॉक में निवेश करने के लिए। और उस वीडियो में हम लोगों ने ये उम्मीद जताई थी कि आने वाले दिनों में इसमें तेजी बनते हुए दिखेगी, और अब इसमें तेजी बनते हुए दिख रही है दोस्तों। तो हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि तेजी आगे भी जारी रह सकती है, इनके टेक्निकल इंडिकेटर यही सजेस्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, अभी तक मेरे वीडियो को वॉच करने के लिए आपका धन्यवाद, और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इसे ज़रूर लाइक करें और शेयर भी करें, और आप मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। Thank you.